जानता हूँ कि पूरे 4 महीने के बाद वीडियो आ रहा हूँ और मैंने पीछे 1-4 महीने पहले वीडियो अपलोड करी थी जहाँ पे मैंने बताया था कि मैं क्विट करने वाला हूँ और कर भी दिया था। बट मेरा एंड यूट्यूब का रिश्ता यू नो कुछ ऐसा है जैसे टॉम एंड जेरी का है, तो भाई ले ली जितनी ब्रेक मैंने लेनी थी। तो हियर आई एम बैक ऑन माय चैनल एंड टुडे वी गोना टॉक अबाउट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट हाउ अमेज़ोनियम रिप्रोड्यूस देयर पॉपुलेशन। वहाँ पर सभी औरतें होने के बावजूद भी उनकी जनसंख्या बढ़ कैसे रही, स्पर्म कहाँ से आ रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट लेट्स बिगिन द वीडियो। इस राज का खुलासा होता है वंडर वुमन ब्लड द न्यू 52 कॉमिक्स में, जो कि 23 इश्यूज की एक सीरीज है। एंड ये इवेंट डीसी का ऑफिशियल रीबूट था एंड ये रिलीज हुई थी 15 जनवरी 2013 को। तो ये कहानी शुरू होती है हैपीथियस से, जो कि थेमस्केरा को उनके हथियार बनाकर देता था। सो डायना हैपीथियस के पास जाती है न्यू वेपन्स लेने के लिए एंड वहां पर वो सभी के सभी लड़कों को काम करता देख हैरान होती है, जो कि थेमस्केरा के बिल्कुल अपोजिट था। तो डायना की ये कंफ्यूजन दूर करते हुए हैपीथियस कहता है कि ये सब अमेज़न के मेल चिल्ड्रन है। तो ये सुन डायना बहुत हैरान होती है एंड कहती है कि उसे लगता था कि वो एक दिव्य शक्ति है, जिसे सुनकर वहां पर खड़े सभी लड़के हंसने लगते हैं। एंड देन हैपीथियस डायना को अमेज़न का वो डार्क सच बताता है जिसके लिए डायना बिल्कुल भी रेडी नहीं थी। तो हैपीथियस बताता है कि हजारों सालों से अमेज़ोनियंस बिना कपड़ों के समुद्री जहाजों पे जाती हैं एंड वहां पे अपने हुसन एंड जिस्म से जहाज के ऊपर खड़े सभी जहाजियों को लुभाती हैं एंड उनके साथ संभोग करके खुद को गर्भवती करती हैं। एंड कुछ तो मर्द मान जाते हैं एंड जो मर्द नहीं मानते वो उनके साथ जबरदस्ती करती हैं एंड अपना काम पूरा होते ही अमेज़ोनियंस उन सभी मर्दों को मार डालती हैं एंड उनकी लाशों को समंदर में ऐसे ही फेंक देती हैं। एंड देन 9 महीनों के बाद जो लड़कियां लड़कियों को जन्म देती है उन्हें थेमस्केरा रख लेता है एंड जो लड़कों को जन्म देती हैं उनका भी वही अंजाम होता है जो उनके फादर्स का हुआ था। बट देन मैंने अमेज़ोनियंस से डील करी कि वो अमेज़ोन के मेल चिल्ड्रन को मारने की बजाय मुझे सौंप दें एंड बदले में मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा हथियार तिगनी तेजी से बना कर दूंगा। एंड इस तरह ये सब अमेज़ोन के मेल चिल्ड्रन इकट्ठे हो गए मेरे पास। तो ये बात सुनके डायना बहुत ज्यादा शॉक होती है एंड इसके साथ साथ उदास भी। बट हैपीथियस उसे दिलासा देता है कि इसमें उसका कोई भी कसूर नहीं है। बट डायना को लगता है कि हैपीथियस झूठ बोल रहा था एंड हैपीथियस ने इन सब मेल चिल्ड्रन को अपने वश में कर रखा है एंड गुलाम बना के रखा है। सो अपनी इस थ्योरी के साथ डायना हैपीथियस के ऊपर अटैक कर देती है एंड उसे बंदी बना लेती है एंड सभी लड़कों से कहती है कि ब्रदर्स अभी तुम सब आजाद हो। एंड तभी वहां पर वो सब लड़के आते हैं एंड हैपीथियस को डायना के रोप से छुड़ाते हुए कहते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी बंदी नहीं है और हैपीथियस यहाँ पे ना होता तो हम सब जिंदा नहीं होते और आज हमारा हशर भी हमारे फादर की तरह हुआ होता। एंड सब लड़के गुस्से में आकर डायना को हैपीथियस को छोड़ने के लिए बोलते हैं एंड वहां से चले जाने को कहते हैं। एंड उन सब का ये रिएक्शन देख के डायना बहुत उदास होती है। बट एक बार फिर हैपीथियस डायना को हौसला देते हुए कहता है कि तुमको अभी थोड़ी रेस्ट की जरूरत है। ऐसा कहते ही वो वहां अपने बॉयज के पास चला जाता है एंड इसके कुछ इश्यूज के बाद डायना अमेज़ोनियंस को किसी तरह से मना लेती है अमेज़ोन के मेल चिल्ड्रन को अमेज़ोन में रखने के लिए। बट वो सभी थेमस्केरा की जगह वहां के अमेज़ोन के जंगल में रह सकते थे एंड वहां पे उनको उनकी सिस्टर्स से हर रोज जान से मारने की धमकियां मिलती थी। बट डायना कहती थी कि वो सब कुछ ठीक कर देगी, बस उसे थोड़ा टाइम चाहिए। एंड इसी बीच डायना सुपरमैन के साथ एक मिशन पे चली जाती है एंड उसके पीछे से रात के अंधेरे में अमेज़ोनियंस फीमेल वॉरियर्स मेल अमेज़ोन चिल्ड्रन पर अटैक करके उन सभी को वहीं पर मार डालती है एंड एक भी लड़के को जिंदा नहीं छोड़ती। एंड जब डायना वापस आती है तो उसे ये सब खून खराबा एंड अपने ही ब्रदर्स की लाशों को देख के यकीन नहीं होता कि ये सब क्या हो गया। एंड इस इंसिडेंट के बाद डायना को बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है कि क्यों वो अपने ब्रदर्स को अमेज़ोन में लेकर आई एंड उसकी वजह से उन सभी के सभी लड़कों की जान चली गई, वो भी उनकी ही अपनी सिस्टर्स के हाथों। तो ये थी एक छोटी सी स्टोरी कि कैसे अमेज़ोनियंस बिना मर्दों के भी अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एवरीवन, आई होप यू लाइक दिस वीडियो एंड आपको ये वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। एंड अब ऐसे ही वीडियोस हर रोज आती रहेंगी या फिर एक दो दिन छोड़ के, क्योंकि अब थोड़ा सा सेपरेट काम चल रहा है। सो नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। चलो टेक केयर एंड गुड बाय।